नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमोल लंदाते। किडनी स्टोन के जो पेशेंट्स हैं, जो रुग्ण हैं, उनके लिए मैं 7 डाइट्री टिप्स बताने वाला हूं ताकि उन्हें फिर से किडनी स्टोन ना हो। किडनी स्टोन के पेशेंट को एक बार इलाज कराने के बाद भी फिर से किडनी स्टोन की तकलीफ होने की शक्यता होती है और डाइट का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो देखते हैं क्या है ये 7 डाइट्री टिप्स। पहली टिप है पानी पीना। आपके दिन में ऐसे तो कहा जाता है कि कम से कम 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीजिए, लेकिन एग्जैक्टली कितना अमाउंट, कितना पानी पीना चाहिए, इसका एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसकी लिंक नीचे दी है, वो आप जरूर देखें। दूसरी टिप है आपके डाइट में बहुत ज्यादा कैल्शियम और बहुत ज्यादा ऑक्सलेट, जो जिसके वजह से स्टोन्स बनते हैं, ये आपके डाइट में नहीं होना चाहिए। और आपने एग्जैक्टली डाइट में क्या खाना चाहिए और क्या टालना चाहिए, इसके 2 वीडियो भी मैंने बनाए हैं और दोनों वीडियो की लिंक्स नीचे दी है, वो दोनों भी लिंक्स आप जाके जरूर देखें। चौथी टिप है एक्स्ट्रा कैल्शियम की गोलियां, जो है कैल्शियम सप्लीमेंट्स की गोलियां मिलती है, वो ना ले। जितना कैल्शियम आपको डाइट से मिल रहा है, जैसे मैंने जो तीसरी टिप में बताया कि 3 सर्विंग्स उतना ही पर्याप्त है। पांचवी टिप है आपके डाइट में प्रोटीन की मात्रा। प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटीन होना किडनी स्टोन के पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता है, किडनी स्टोन बनाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो 1 ग्राम पर केजी, अगर 60 किलो है तो 60 ग्राम पर केजी पर्याप्त है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी ना ले। आपके डाइट में कैल्शियम लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन कैल्शियम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि किडनी स्टोन के पेशेंट ने बिल्कुल भी कैल्शियम रिच फूड नहीं खाना चाहिए। तो कैल्शियम होना चाहिए, लेकिन वो योग्य मात्रा में होना चाहिए। तो वो योग्य मात्रा क्या होगी, ये मैं आपको बताता हूं। हरी सब्जी और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध, दही, छाछ, बटर, इसमें कैल्शियम होता है। तो आप दिन में 3 सर्विंग्स कैल्शियम के ले सकते हैं, यानी सुबह आपने चाय ले ली, दोपहर में आपने सब्जी ले ली और एक ग्लास आपने छाछ ले लिया। तो इसमें से कोई भी 3 सर्विंग्स आप दिन में जरूर ले, लेकिन कैल्शियम टोटली अपने डाइट से निकाल देना, ये इनफैक्ट किडनी स्टोन बनाने के लिए भी ये इसका कारण बन सकता है। तो ये कैल्शियम की मात्रा अपने डाइट में रखना भी जरूरी है। सातवीं यानी आखिरी एक महत्वपूर्ण टिप है कि आपको विटामिन सी की गोलियां या मल्टीविटामिन की गोलियां है, ये नहीं लेनी है, टालनी है। अगर डॉक्टर कहते हैं तो ही लेनी है, वो भी आपके नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी के डॉक्टर। विटामिन सी ज्यादा मात्रा में लेने से भी आपकी किडनी पर किडनी स्टोन बनने के लिए एक कारण बन सकता है। आपके डाइट में रोज हम खाना खाते हैं, उसमें विटामिन सी पर्याप्त रूप में होता है, और नींबू या सिट्रस फ्रूट्स, मौसम्बी, संतरे, ये अगर आप लेंगे तो उसमें भी विटामिन सी होता है, वो नेचुरल विटामिन सी आप ले सकते हैं, लेकिन विटामिन सी की गोलियां बिल्कुल भी ना ले। आपके डाइट में नमक आप कितना ले रहे हैं, ये किडनी स्टोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा नमक खाना, ज्यादा सोडियम होना, नमक में सोडियम होता है, ये किडनी स्टोन बनाने के लिए कारण बन सकता है। तो एक रूल बना लीजिए कि आप एक्स्ट्रा टेबल सॉल्ट यानी ऊपर से कभी भी नमक नहीं लेंगे। किडनी स्टोन के लिए 7 डाइटरी टिप्स आप अपने रिश्तेदारों से ज्यादा लोगों से जरूर शेयर करें। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद।